तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का बजट है भाई 5 लाख, 5 लाख से कम या फिर 5 लाख तक। तो 5 से 6 लाख वाला जो बजट है ना, उसमें देखो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बेस्ट बजट के थ्रू गाड़ियाँ बताएंगे। और जैसे कि गाड़ियों के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो अब 2023 है और अप्रैल से और ज़्यादा प्राइस उनके हो चुके हैं, तो कौन सी गाड़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही रहेगी, किस बजट में आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो बिल्कुल पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। और पहले एक 5 लाख का बजट भी अगर कोई फैमिली बना के रखती थी, कोई बना के रखता था गाड़ी लेने के लिए न्यू, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते थे, जो अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं 5 लाख के बजट। इवन अगर मैं 2014 की बात करूं, तो जब हमने नैनो खरीदी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 2.5 से 3 लाख में बहुत अच्छी कार मिल जाती थी। बहुत अच्छी मतलब बेसिक कार, जैसे अगर एक फैमिली के लिए मिडिल क्लास फैमिली का जो पूरा काम कर सकती है, राइट। बट धीरे 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 फिर हमने जब टियागो ली, तो उस टाइम पे टियागो जो हमने ली थी वो 6.5 लाख में ली थी, टॉप मॉडल। हाँ, बट आज की डेट में 6.5 लाख में ऑन रोड आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उस बात को सिर्फ 3.5 साल ही हुए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है गाड़ियों में कि बस गाड़ियों का तो ऐसा प्राइस हाई हो रहा है जैसे शूट हो रहा है एकदम ऊपर। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में हम जो प्राइस डिस्कस करेंगे ना, तो ऑन रोड के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ऑन रोड में अब हर स्टेट का टैक्स अलग है, तो कहीं पे वो थोड़ा बहुत अप भी हो सकता है, कहीं पे डाउन भी हो सकता है, लेकिन एक्स शोरूम के प्राइस से जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑन रोड प्राइस ना उसका कुछ अलग ही पड़ता है। और जो एग्जैक्टली एक प्रैक्टिकल चीज नहीं लगती मुझे, क्योंकि बजट जो बनता है वो पूरा ऑन रोड प्राइस का होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑन रोड कहीं बाहर से तो बरसेगा नहीं, वो भी आपने ही देना है। तो इसलिए आज एक्स शोरूम के साथ साथ हम उसके ऑन रोड कितना पड़ जाएगा एक लमसम, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का बजट है भाई 5 लाख, 5 लाख से कम या फिर 5 लाख तक। तो 5 लाख तक कौन सी गाड़ी आपके बजट में आ सकती है ऑन रोड? तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 5 लाख के बजट में आज की डेट में कोई भी गाड़ी नहीं आती है। एक ऑल्टो K10 आती है, उसका भी स्टैंडर्ड वेरिएंट, और स्टैंडर्ड वेरिएंट में विदाउट एसी नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ इंजन और बॉडी लगा के आपको दे दे रहे हैं। बिल्कुल। तो 5 लाख के बजट में केवल एक यही ऑप्शन बचा है हमारे पास आज की डेट में, जबकि आज से करीब 7-8 साल पहले बहुत सारे ऑप्शन होते थे। इवन 3.5 साल पहले भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हाँ, उस टाइम पे मिल जाती थी। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या रेडिगो आ जाती थी, उससे पहले उल्टो 800 आ जाती थी, क्विड आ जाती थी, तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां थी जो उस टाइम पे ना 5 लाख के अंदर आराम से एक आदमी ले लेता था ऑन रोड प्राइस। तो 5 लाख से नीचे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब अगले बजट पे चलते हैं, 5 लाख से 6 लाख के बीच में आपको कौन कौन सी गाड़ियां मिल सकती हैं। तो 5 से 6 लाख में आपको क्विड मिल जाएगी, जिसका प्राइस लगभग स्टार्ट रहता है 4.25 के आसपास से। एक्स शोरूम प्राइस उसका इतना स्टार्ट होता है, तो जो ऑन रोड पड़ेगी वो आपको लगभग 5 के ऊपर ही पड़ेगी, तो वो 5 से 6 के बीच में आ सकती है। एक दूसरी गाड़ी और है जो मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो है, वो भी आपकी लगभग 5 से 6 के बीच में ऑन रोड आ जाएगी। और तीसरी गाड़ी है ऑल्टो K10, उसके कुछ ही वेरिएंट आपको जो ना 5 से 6 के बीच में मिलेंगे, वरना अगर टॉप वेरिएंट में जान लगे तो वो तो 7 लाख तक बहुत ऊपर जाएंगे। तो इसमें जो है हम केवल कंसीडर कर सकते हैं भाई क्विड है, ठीक है, हल्की गाड़ी लेनी है और बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना, तो 5 से 6 लाख के बजट में आप उस पे जा सकते हो। एस्प्रेसो जिसमें क्या सेफ्टी आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो मिलने वाली है, और ऑल्टो का भी हाल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो 5 से 6 लाख वाला जो बजट है ना, इसमें एक तो ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, उसमें देखो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको या तो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी कोई खास नहीं मिलने वाली, तो इधर ऑप्शन ही कम है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चाह के भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अब अगले बजट की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमने लिया है 6 से 7 लाख। तो इस रेंज में भी ऑप्शन तो बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको, पर हाँ हैचबैक, कुछ अच्छी हैचबैक आपको इस बजट में मिल जाएंगी। जैसे कि हम बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस की, जिसका प्राइस जो स्टार्ट होता है वो होता है 5.82 लाख से। तो मतलब ऑन रोड जो आपको ये पड़ेगी वो 6 से 7 के बीच में आ जाएगी, इसका बेस वेरियंट और बेस से ऊपर वाला वेरियंट। सेकेंड गाड़ी इसमें हम बात करेंगे वैगन आर की, जिसका प्राइस लगभग 5.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है,
तो ये भी आपकी 6-7 लाख के बजट में ऑन रोड पहुंचेगी। हाँ, अप्रोक्सीमेट 2 वेरिएंट तो बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे इसके। तो देखो, थर्ड गाड़ी सिलेरियो भी इसमें आ जाती है, बट सिलेरियो को हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि देखा जाए तो इग्निस उससे फार बेटर है। हाँ, तो इसलिए आप वहाँ पे, यहाँ पे सिलेरियो को अवॉइड कर सकते हो। राइट। इसके बाद चौथी गाड़ी हम बात करेंगे, वो करेंगे टाटा टियागो की। तो टाटा टियागो का भी आपको लगभग बेस और बेस के ऊपर वाला वेरिएंट आपको 6-7 लाख के बजट में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 5.5 लाख के आसपास ही। हाँ, तो इसमें देखो आपको इंजन 3 सिलेंडर मिलेगा, बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जैसे पहली दो जो गाड़ियां हमने बताई, इग्निस और वैगनार, तो इन दोनों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सेफ्टी में, बट इंजन इनके ज्यादा रिफाइन है। हाँ, तो इस प्राइस रेंज में बस आपको पास ये गिने चुने कुछ ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो। अब 7-8 लाख के बीच में जो बजट है उसमें बात करते हैं, भाई उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो उसमें आपके पास कुछ गाड़ियाँ ज्यादा आएंगी, खुल के आई, मतलब कुछ गाड़ियाँ आप सामने, तो आप बजट देख लो कहाँ पहुँच गया है। मतलब स्टार्टिंग लगभग आपको ठीक ठाक गाड़ी मिलनी शुरू हो रही है, वो हो रही है 6-7 लाख के बीच में, और फिर 7-8 लाख में आपके पास कुछ ऑप्शंस और ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप काइगर कंसीडर कर सकते हो, रेनो की ट्राइबर कंसीडर कर सकते हो, जिनके ऑन रोड प्राइस बेस वेरिएंट और बेस के अपर वेरिएंट के लगभग 7-8 लाख के बीच में आ जाएंगे। टाटा की पंच, जिसका 6 लाख प्राइस स्टार्ट होता है, तो वो भी आपकी जो है उसका बेस और बेस के ऊपर वाला वेरिएंट आराम से 7-8 लाख के बीच में आ जाएगा। निसान की मैग्नाइट भी आप इसमें ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा चाहिए अच्छा लुक और थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए, उसको भी आप एज अ ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,56,000 से, तो इसके भी आपको बेस और बेस के ऊपर वाला वेरिएंट लगभग आ जाएगा आपका 7-8 लाख के बजट में। और अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ी हल्की लगेगी आपको, बट इंजन बहुत रिफाइन है इस गाड़ी का, इंजन रिफाइन है, फीचर्स भी काफी मिल जाते हैं। हाँ, इसके बाद टाटा की एल्ट्रोज भी आप एक इसमें ट्राई कर सकते हो, जिसका प्राइस 6,45,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो एल्ट्रोज के भी आपको नीचे के 2 वेरिएंट आराम से इस बजट में आ सकते हैं, 7-8 लाख के बजट में। तो इसके अलावा भी कुछ गाड़ियां हैं जो इस प्राइस रेंज में आ जाती हैं 7-8 लाख के बजट में, जैसे i10 हो गई, i10 न्योज, ओरा हो गई, ये दोनों ह्युंडई की गाड़ियां हैं, या फिर स्विफ्ट हो गई मारुति सुजुकी की। तो देखो, ये 3 गाड़ियां मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इतनी महंगी, जैसे i10 लेनी है, i10 के मुकाबले की गाड़ियां और बहुत अच्छी हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब उस प्राइस रेंज में इससे अच्छी गाड़ियां आपको मिल सकती हैं, सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं और सेगमेंट भी उनके अच्छे मिल रहे हैं, अप मिल रहे हैं। और ओरा की भी सेम है, ओरा का अगर आप चाह रहे हो कि भाई हैचबैक में थोड़ा सा सेडान वाला फील आए तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज तो कंसीडर करने लायक वो है नहीं। अब थर्ड बात करते हैं स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट के बजाय अगर आप बलेनो पे जाओगे तो ज्यादा फायदे का सौदा है। बिल्कुल, तो अब जो हम बात करते हैं वो बजट की बात करते हैं, 8-10 लाख के बीच में कौन कौन सी गाड़ियां आ सकती हैं। देखो, जो पीछे वाली गाड़ियां हैं, अगर आप चाहते हो उनके अप वेरिएंट पे जाना, तो वो तो सारे ऑलमोस्ट इस बजट में आ जाएंगे। राइट। लेकिन उसके अलग और कौन कौन सी गाड़ियां इसमें ऐड हो जाएंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा नेक्सन, जो छाई हुई है आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी में, और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत अच्छी है। तो जिसका एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 7,70,000 से, तो वो आपको ऑन रोड लगभग उसके शुरू के 2 वेरिएंट या 3 वेरिएंट आराम से 8-10 लाख के बजट में आ जाएंगे। इसके बाद में अगली गाड़ी की बात करेंगे हम, मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसका स्टार्टिंग प्राइस बेस वेरिएंट का 8,20,000 से स्टार्ट होता है, तो उसका भी बेस वेरिएंट आपको आराम से आ जाएगा इस बजट में, और ब्रेजा में आपको फीचर्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, लुक भी बहुत अच्छा है, जो नई ब्रेजा आई है उसका लुक भी दमदार है, और साथ ही साथ उसका इंजन जो है वो बहुत रिफाइन है, 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल रहा है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे महिंद्रा की एक्सयूवी 300, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 8,41,000 से, तो इसका भी आपको बेस और बेस के ऊपर वाला वेरिएंट ऑलमोस्ट 8-10 लाख के बजट पे आराम से आ जाएगा। अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, थोड़ा सा आपको बूट स्पेस की इसमें कमी लगेगी, थोड़ा सा कम है। तो देखो, अभी नेक्स्ट गाड़ी है होंडा फैंस के लिए, होंडा के भी बड़े फैंस हैं, मतलब एक टाइम पे ये गाड़ी जिसके बारे में बात करने वाली हूँ बहुत चली थी, ये है होंडा अमेज।
तो अगर आप उस तरीके की कोई गाड़ी देखना चाह रहे हो जैसे सेडान लुक में, तो भी आप हुंडा अमेज को कंसीडर कर सकते हो। हाँ, इस तो बजट में आराम से आपको एक दो वेरिएंट उसके आ जाएंगे। हाँ, और इसका जो प्राइस एक्सोरूम प्राइस है वो है 7,57,000 के आसपास। हाँ, तो सेडान के हिसाब से ही बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है। हाँ, तो जैसे कि हमने एक पीछे बात करा था ट्राइबर का, वो भी 7 सीटर गाड़ी मिलती है। सेम आप का अगर बजट अच्छा है और आपको चाहिए नहीं यार इंजन और ज़्यादा मुझे रिफाइंड चाहिए, तो आप 8 से 10 लाख के बजट में जा सकते हो अर्टिगा पे मारुति सुजुकी की। इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, प्लस 7 सीटर में ये आपको मिलेगी, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ये आपके लिए इस बजट में बेस्ट कार है। 10 लाख के अंदर अंदर इसका एक मतलब बेस और बेस के अपर वेरिएंट लगभग आ जाएगा। हाँ। लगभग आ जाएगा, अपर वाला बेस तो आ ही जाएगा आराम से। हाँ, बहुत आराम से। तो इसके अलावा भी कुछ गाड़ियां थी जो हमने रखी थी इस लिस्ट में, बट उनको हम प्रिफर नहीं करते, मतलब उनको हमने कंसीडर नहीं किया। हाँ। बेस्ट कार्स में तो जैसे i20 हो गई, तो i20 पे बंदा क्यों ही जाएगा, उस प्राइस में तो नेक्सन मिल जा रही है। हाँ। और सपोज वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, तो उन पे भी बंदा क्यों जाएगा जब ब्रेजा मिल जा रही है। बिल्कुल। सो गाइस, ये कुछ गाड़ियां थी जो आप इस 5 लाख से लेके और 10 लाख के बजट के अंदर ले सकते हो। ऑन रोड प्राइस की भी हमने थोड़ा एक आइडिया दिया आपको कि कहां से कहां तक जा सकता है। तो एक तरीके से देखो, जो मिडिल क्लास के लिए बजट आज की डेट में सेट हो गया है, वो 5 से 10 लाख का बजट जो होता है वो आइडियल बजट होता है, मतलब उससे कम में तो खैर कुछ मिलता ही नहीं। बिल्कुल। बट उस बजट में जो अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट कार्स हैं वो हमने आपको बताई कि भाई इस सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक के बजट में कौन सी अच्छी है, वहां से वहां तक के बजट में कौन सी अच्छी है, तो आपको डिसाइड करने में ईजी हो जाए। बिल्कुल। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको हेल्प करेगा आपकी बेस्ट कार चूज करने में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप शेयर करते हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।